यह दिनारा रोहतास जिले के दिनारा प्रखंड जो है, दिनारा प्रखंड में यह दिनारा जो है हाई स्कूल जो है दिनारा है, इसके यहाँ पर 52 बीघा का पोखरा जो है, ये राजा महाराजाओं का पोखरा है। उस राजा लोग यहाँ से चले गए और यहाँ पर जो आज जो पोखरा का जो स्थिति है मात्र 25 बीघा 35 बीघा के लगभग बचा हुआ है। और इस पोखरे से एक गांव का जो है दिनारा गांव का आसपास गांव का पानी का लेयर जो है भग चुका है। और जब अनुपम कुमार डीएम थे उसी समय ये घोषणा हुआ था कि कोई भी यहाँ पर मछली मार सकते हैं, पानी नहीं उबिछ सकते हैं। और पानी उबिछने का सिवाय कौन सा, यहाँ पर बोरिंग का लेयर जो किया गया है धरती में छेद कर पानी अंडरग्राउंड किया जा रहा है और पानी का किल्लत है। नल जल योजना नहीं अगर होता तो किसान जो है जनता यहाँ के जो है पानी बिना तरस जाती। और आज जो स्थिति है बहुत भयावह स्थिति है, पानी का लेयर भाग चुका है। इसलिए जो है ये जो है तत्काल पदाधिकारी से बात हुआ, मत्स्य पालन पदाधिकारी से, तो मत्स्य पालन पदाधिकारी ने कहा कि हम 2 दिन गए हैं, कहे हैं कि आप मछली मार सकते हैं लेकिन वो होल नहीं कर सकते हैं। तो ये पोखरे का पानी का होल कर धरती के नीचे जो गाड़ा जा रहा है, ये जो मैंने कहाँ का कानून है, किस कानून के अंतर्गत धरती में होल कर करके पानी को निकाला, धरती के अंदर गाड़ा जाता है। और है ना, जनता जो है पानी से तरस रही है। तो हमारे कहा नाम है कि ये 52 बीघा का पोखरा लोग हम लोग बोलते हैं कि अपने इतिहास भी कहता है कि 52 बीघा का पोखरा है। तो ये हम लोगों के जनता का यही मतलब की है कि ये जो है पोखरे का जो है मछली मारिए लेकिन होल कर करके जो किया गया है उसमें मवेशी पानी पीने जाएगा तो उस होल में धस जाएगा, जनता जाएगी, लड़का जाएगा तो होल में नीचे चला जाएगा। जो यहाँ पर स्थिति है, जनता जो है कई बार वहाँ पर मार झगड़ा हुआ इसको पानी को रोकने के लिए कि मतलब जो है आप मछली मारिए लेकिन पानी मत कीजिए। यहाँ अभी अभी मैंने तो हुआ है कि 3 गो हल हुआ है, कोई कहता है कि 10 गो हल हुआ है। तो बताइए कि जब यहाँ के मने क्या स्थिति हो रही है, स्थिति है दिनारा जो है पानी के लिए तरस रहा है और पानी को बर्बाद किया जा रहा है, नीचे मैंने ग्राउंड किया जाता है। हाँ, ये जो है गाय मवेशी जो है कोई भी मतलब कि जनता हो चाहे मवेशी हो चाहे कोई भी हो सब कोई तड़प रहा है, लेयर नीचे भाग गया है, बहुत स्थिति डेंजर है। मैं मुख्यमंत्री या जिला पदाधिकारी डीएम से भी मैंने बात किया, डीएम साहब बोले कि मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी से बात किए हैं, जा करके वो मैंने कर देंगे कि हॉल नहीं करेगा। और इस कर करके अब फिर अभी बात हुआ है, विध्याचल पांडे जी बोल रहे हैं कि हमसे बात हुआ है तो वो भी मैंने आनाकानी कर रहा है, जितना लगता है कि रिश्वत लिया है, सब मिली भगत है। कौन रिश्वत? मत्स्य पालन पदाधिकारी विध्याचल पांडे के अनुसार, कहने के अनुसार, ग्रामीणों के कहने के अनुसार वो जो है मतलब ये कह रहा है कि मतलब कि वो मछली मारे होल जो किया है वो गलत किया है, होल नहीं मैंने करना चाहिए। लेकिन उनसे मैंने कहा कि मिली भगत है, लोग गाँव के लोग कह रहे हैं कि मिली भगत लग रहा है। आपने मैंने राजेंद्र बाबू आप जो है इसका जो है इस मैंने इसको मैंने मीडिया के द्वारा या सरकार के द्वारा आप जो है प्रचारित कीजिए कि ये जो है ऐसा गलत काम ना हो सरकार द्वारा। तो मतलब पोखरा को अनुपम कुमार जब डीएम थे ना, अनुपम कुमार डीएम थे उस समय बोले थे कि पोखरा का पानी नहीं बिछना है, इस तरह जो है कोई यहाँ का पानी का लेयर भग जा रहा है, जनता का जो हमारे पास ऑब्जेक्शन है। राजस्व प्राप्ति किया है तो राजस्व प्राप्ति मारने के लिए थोड़े जनता यहाँ रोक रही है, हॉल करने के लिए रोक, जो जनता का लेयर कर रहे हैं वो रोक रही है कि अंडरग्राउंड जो है पानी जाएगा तो धरती क्या होगी, वो पानी जब नीचे जाएगा तो वहाँ हॉल होगा, वहाँ भकंडर हो जाएगा और जो मवेशी जाएगी उसमें फंस जाएगी, आदमी अगर कोई चल जाता है उसमें खींच लेगा, अंदर खींच लेगा। तो मछली पकड़ने वाले लोगों को कहना है कि जब तक पानी थोड़ा सा कम नहीं होगा तो मछली उसमें मत, तो 6 फीट रखना है ना, 6 फीट पानी रखना है। तो पानी का जनता के कठिनाइयों को देखते हुए, जनता की कठिनाइयों को देखते हुए कि मैंने उतना ही मैं 6 फीट पानी मैंने रहना है, इसमें पानी कुल नहीं बिछना है, मवेशी और जनता के मतलब कि जनता से बढ़कर मछलियाँ है, जनता से बढ़कर मछली नहीं ना है। अनुपम कुमार का डीएम है, डीएम का आदेश है, मत्स्य पालन भी कर रहे हैं, वही बात तो सब कर रहा है लेकिन यहाँ गलत हो रहा है, इसको रोका जाए। आप लोगों का क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि माने यहाँ जो होल किया जा रहा है होल मन न किया जाए, होल को बंद कराया जाए, होल को बंद कराया जाए। ये जो जनता जो है यहाँ पर जो है मतलब कि यहाँ पर पानी के लिए तरस रही है, मर रही है, मवेशी जो है तरस बत कर रहे हैं सब, देखिए मवेशी अभी धुआ रहा है, मवेशी जो है वहाँ पर जाएगी तो वह फंस कर दलदल में धरती के नीचे चला जाएगा। जो यहाँ पर जो पानी की निकासी की जा रही है और पानी को होल बना कर निकासी किया जा रहा है, उसके खिलाफ आपने कहीं शिकायत की है? हमने जिला पदाधिकारी डीएम बीडीओ सीओ सबको से किए हैं। क्या कार्रवाई हुआ? कार्रवाई बोले हैं कि हम जा करके वहाँ ब्रिज को वहाँ रोक करके आए हैं,
और रोक करके आए हैं, स्पॉट पर देखने पर पता मने है कि नहीं रुके हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मने हॉल मछली मार मार पानी जो है पानी उसमें रहना चाहिए या तू का रहना चाहिए। जनता का जो मेरे दर्द है, जनता का जो चंपाकल सूखा हुआ है, नहीं अगर होगा तो उसमें रुक जाएगा तो मैंने पानी का लेयर रहेगा तो जनता पानी पिएगी, जनता मतलब मवेशी पानी पिएगा। और ये जो है मतलब कि 52 बीघा का पोखरा है और मात्र 25 बीघा में बचा हुआ है, जो अतिक्रमण जो है अतिक्रमण को भी हटाने के लिए हमने दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जल जीवन हरियाली के अंतर्गत वो आए थे, मुख्यमंत्री से भी बात हुआ तो बोले कि दो नाव देंगे और यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए ये सब किया जाएगा, पार्क बनाएगा। पार्क में चौधरी पार्क मतलब कि जो है जिस खानदान का जमीन होगा, जिस खानदान का जमीन होगा उसी का पार्क नाम से बनेगा। ये चौधरी जंग बहादुर चौधरी यहाँ के राजा थे, उस राजा का जमीन है और राजा जो है आज वहाँ भागलपुर चले गए हैं लोग। और ये मतलब कि ये राजा का जो है जमीन है, ये 52 बीघा का पोखरा है और यहाँ पर जो है मतलब कि आप देख लीजिए कि वहाँ पर गौरव मवेशी धो रहा है, मवेशी जाएगा वहाँ डीजल पंप लगा हुआ है। आ कह रहा है पदाधिकारी की जो है कि मतलब कि नहीं है, हैं ये सब कितना अत्याचार हो रहा है, ये सब गलत मतलब कि हो रहा है। पदाधिकारी कह रहा है कि हमने हमारा कोई बातें नहीं सुनता है, अरे नहीं बात सुनता है तो इस्तीफा दे दो, जाओ घर जाओ, नौकरी छोड़ दो, हैं ये सब मतलब कि क्या हो रहा है ये सब। मैं राजेंद्र सिंह दिनारा हाई स्कूल के सेक्रेटरी, यहाँ का मैं सेक्रेटरी हूँ और मैं जो है वहाँ की जनता की जो हमारे से मांग किया है मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ और मैंने सामाजिक सेवा के लिए लड़ रहा हूँ। हम लोग राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, सामाजिक हैं तो समाज में जो रहता है जनता के दुख सब जो है जनता की जो है, तो है जनता के लिए हम लड़ते हैं।